वेलकम बैक टू माय चैनल सेविंग स्टाइल्स। मैं इस चैनल की होस्ट हूँ, मेरा नाम इफ़ार शेख है। एंड आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग खजूरी शलवार की स्टिचिंग सीखते हैं। मैंने ऑलरेडी इसकी कटिंग बनाई है एंड आपको मैं स्टिचिंग बताने वाली हूँ। ये वीडियो पूरा एंड तक देखें बिना स्किप करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक प्लेस कर देंगे। यहाँ पे जो मिडिल में है वो पैनल है एंड ये दो कलियाँ हैं, ये साइड की एक कली एंड ये दूसरी साइड की कली। तो इस तरह क्या करना है, उस पैनल को दोनों साइड आपको ज्वाइन कर लेना है। अभी इन दोनों कलियों की मैं ज्वाइनिंग करके भी दिखा दूंगी आपको कैसे दिखता है। जैसे मैंने आपको बताया है, पैनल के दोनों तरफ आपको कलियां रख के स्टिचिंग कर लेना है, एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ। ये हो गया फ्रंट साइड और एक साइड भी आपको इसी तरह से स्टिच कर लेना है दोनों साइड। तो एक बार मैं स्टिच करके आपको बता देती हूँ कैसे करना है, आप देख लीजिए। एक साइड का मैंने स्टिच कर लिया है, एक पैनल को मैंने दोनों कलियाँ से जुड़ा दी है। स्टिच करने के बाद ऐसे दिखता है, आप भी देख लीजिए पूरी तरह। यहाँ पे ये एक कली है, यहाँ पे एक पैनल है, पैनल को मैंने इसे यहाँ पे ज्वाइन किया है, यहाँ पे इस कली को मैंने इस तरह पैनल को ज्वाइन किया है। ये है एक साइड का, दूसरी साइड का भी आपको इसी तरह कर लेना है। मैंने दोनों कलियाँ ज्वाइन कर लिया। अभी चलते हैं बेल्ट की तरफ। तो ये रहा बेल्ट जो मैंने 42 इंचेस का कट किया था। इस तरह क्या करना है, आपको ऐसे फोल्ड करना है 2 इंच का, ऐसा एक्स्ट्रा मार्जिन जो मैंने रखा था इसी तरह आपको फोल्ड करना है। यहाँ पे क्या करना, मैं एक बीच में एक नॉच लगा ले रही हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर स्टिचिंग कैसे करना है, वो मैं आपको बता रही हूँ। जितना मैंने मार्क किया है वहाँ तक आपको स्टिच करना है एंड बीच में आपको थोड़ा गैप छोड़ देना है। जैसे यहाँ पर फोल्ड करने के लिए कितना गैप रह रहा है उतना देख लेना है, फिर उसके बाद मार्किंग कर लेना है। जहाँ पे मार्किंग है वहीं पे स्टिचिंग करना है, जहाँ पे मार्किंग नहीं है वहाँ पे नहीं करना है स्टिचिंग। तो उसकी स्टिचिंग कर लेते हैं, कैसे कर रहे हैं वो देख लेना। यहाँ पे जहाँ पे मार्क है मैं वहाँ तक स्टिच करूँगी, फिर वापस पलट के फिर से स्टिच कर दूँगी। अभी यहाँ पे मेरा स्टिचिंग है करके हो गया है, जैसे मैंने आपको बताया था ठीक उसी तरह करना है। अभी देख लीजिए मैं यहाँ पे कैसे कर रही हूँ, दोनों तरफ मैं फैब्रिक ऐसे साइड बाय साइड करके ऊपर एक फाइनल स्टिच लगा दूँगी। ये हो गया पूरा कंप्लीट, ऐसे होता है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको 2 इंच फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। पहले मैं थोड़ा आधा इंच फोल्ड करके स्टिच दे देती हूँ, उसके बाद और एक मैं 2 इंच का फोल्ड करके फाइनल कर देती हूँ इसको।
आई एम सो सॉरी, इस वीडियो में मेरा आवाज़ थोड़ा बैठा हुआ है इसलिए आवाज़ वैसी आ रही है। जैसे यहाँ पे बता रही हूँ आपको, पूरा फोल्ड करके चारों तरफ स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद ये देख लीजिए इस तरह दिखता है। बैक पूरा क्लोज है एंड फ्रंट में थोड़ा मैंने यहाँ पे खुला छोड़ा है नाड़े के लिए। तो इस तरह से आपको यही टेक्निक यूज़ करके आप बेल्ट बना सकते हो। तो ये हो गया बेल्ट रेडी। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अभी मेन पार्ट है खजूरी शलवार में प्लीट्स कहाँ लेना है। ऊपर हमने प्लीट्स लेके ऑलरेडी रख लिए, जैसे आप पटियाला को लेते हो ठीक उसी तरह आपको ऊपर की तरफ प्लीट्स ले लेना है। अभी नीचे कैसे लेते हो मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं ऐसा पौंचा रख दे रही हूँ, पौंचा रख के मैं 6 इंच कैसे मेजर करूँगी, 6 इंच गैप दे दूँगी मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं टेप की मदद से बता रही हूँ। जहाँ हमने कलर बिठाया वहाँ पे हमने 6 इंच रखा है। एंड अभी ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर जहाँ पे क्रॉच एरिया है वहाँ से हम मेजर करेंगे 13 इंच तक। आप इस वीडियो में देख रहे हो मैं कैसे करूँ, यहाँ पे मैं ऐसे टेप रखूँगी ताकि 13 इंच जहाँ पे आ रहा है मैं वहाँ पे इस तरह मार्क कर लूँगी, क्योंकि वो क्रॉच एरिया है वहाँ पे करने से अच्छा नहीं लगेगा। 13 इंच का ऊपर की तरफ गैप देना है एंड आपको 1-1 इंच पे ऐसे मार्किंग करते जाना है जहाँ तक आपने 6 इंच का मार्किंग किया है पौंचे की तरफ। तो इस तरह पूरा एंड तक कर लीजिए, मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ ठीक उसी तरह आप कर लेना। यहाँ पे मैं 1 इंच का मार्किंग कर रही हूँ, अभी 6 इंच का भी मार्किंग आ जा रहा है पूरा। हमको 6 इंच का जहाँ पे हमने दिया है वहाँ तक हम मार्किंग कर लेंगे। तो 6 इंच तक हमको मार्किंग आ गया, यहाँ पे हमने इस तरफ तक 6 इंच छोड़ा है एंड ऊपर हमने वहाँ से लेके 13 इंच का ऐसे गैप छोड़ के 1-1 इंच पे मार्किंग लगाया। इस तरह आपको सारे कलियों पर कर लेना है। ये एक कली पर मैंने किया है और बाकी 3 कलियाँ सेम उसी तरह आपको कर लेना है। यहाँ पर अभी आपको प्लेट्स लेना है। तो यहाँ पर मैं प्लेट्स कैसे ले रही हूँ आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं 1 इंच के गैप के जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ, आप भी उसी तरह फोल्ड कर लेना। मैं ये जो फोल्ड कर रही हूँ ऊपर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ, ऐसे प्लीट्स ले रही हूँ मैं ऊपर की तरफ सुई धागे की मदद से, मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए मैं दूसरा फोल्ड कैसे ले रही हूँ। ये फर्स्ट फोल्ड हो गया, अभी दूसरा फोल्ड देख लेना। मैं ऐसे प्लेस कर रही हूँ जहाँ पे मैंने डॉट लगाया वो डॉट से, और 1 इंच का डॉट छोड़ के और 1 इंच डॉट पे ऐसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। ऐसे फोल्ड करके आपको स्टिचिंग करना है। यहाँ पे दोनों 1-1 इंच के डॉट्स आपको इसी तरह मिला लेना है। तो करीब कपड़ा यहाँ पे जो मुड़ रहा है वो 2 इंच के करीब मुड़ रहा है। आपको इसी तरह सारे प्लीट्स लगा लेना है 13 इंच तक जहाँ पर हमने मार्किंग की है। अभी लेते हैं नीचे पौंचे को हम लोग कैनवास कैसे लगाएंगे वो देखने वाले हो। करीब मैं यहाँ पे 16 इंच लंबा कैनवास ले रही हूँ और 2 इंच चौड़ाई में है। तो ये दोनों पौंचे को मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि अगर हम पटियाला शलवार या खजूरी शलवार बनाते हैं तो ये कैनवास लगाने के बाद काफ़ी अच्छा दिखता है। तो इस तरह सेम फैब्रिक पर मैं इस तरह कैनवास प्लेस कर दूँगी, फिर एक तरफ फोल्ड करके स्टिच मार दूँगी और एक तरफ मैं खुला रख दूँगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर किया है आप देख सकते हो। एंड मैं यहाँ पर शलवार लूँगी, जहाँ पहुँचा है मैं वैसे रख दूँगी। रखने के बाद जहाँ दोनों राइट मैं एक ही तरह रखूँगी, एक ही साइड ऐसे दोनों राइट एक जगह रख के मैं उसके ऊपर एक स्टिच मार दूँगी। ऊपर ऊपर हमने स्टिच कर दिया, अभी नीचे जैसे मैं बता रही हूँ वहाँ पे आपको और एक स्टिच मार लेना है ताकि वो इजी से पलट सके। ऐसे पलट देने के बाद अभी यहाँ पर ऊपर टॉप स्टिच मारेंगे दोनों तरफ मार के। यहाँ पर आप जो भी पौंचे का डिज़ाइन दे सकते हो, जो मैंने आपको हाथ पे बनाया था प्लीट्स
खजूरी सलवार के लिए यहाँ पे मैं मशीन पे कर दे रही हूँ, जैसे मैंने हाथ पे किया था मशीन पे भी सेम उसी तरह कर लेंगे हम। ठीक उसी तरह 13 इंच तक हमको ये फोल्ड करके पूरे सारे प्लीट्स ले लेना है, तो आप मशीन पे भी कर सकते हो। मैंने आपको समझाने के लिए सुई धागे की मदद से बताया था, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली दूसरी कलियों को मशीन पे स्टिच करने वाली हूँ। सारी कलियाँ आपको इसी तरह प्लीट्स लेना है 13 इंच से लेके 6 इंच तक, जहाँ पे हमने मार्किंग किया है उसके दौरान ही आपको सारा ऐसे प्लीट्स लेके पूरा एंड तक सी लेना है चारों कलियाँ। अब ये चारों कलियाँ स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह दिखता है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने प्लेस किया है ऊपर पटियाले के प्लीट्स एंड नीचे जो मैंने 1 इंच का मार्किंग किया था वहाँ पे मैंने प्लीट्स लेके रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने प्लीट्स ले ली है नीचे। प्लीस लेना तो हो गया, अभी क्रॉस कैसे ज्वाइन कर रहे हैं वो मैं बताने वाली हूँ। इस तरह मैंने दोनों बैक साइड ऐसे रखे हैं, इस तरह दोनों बैक साइड को मैं पहले ज्वाइन कर लूँगी एंड जो फ्रंट के हैं दोनों फ्रंट के पार्ट्स मैं ऐसे ज्वाइन कर लूँगी फ्रंट पार्ट के क्रॉच। इस तरह से आपको ऐसे ज्वाइन कर लेना है दोनों फ्रंट्स के एंड दोनों बैक के मिला के, पहले दोनों बैक के मिला के उसके बाद दोनों फ्रंट के मिला के ज्वाइन करने के बाद ऐसे हो गया है। फिर मैं अभी यहाँ पर जो ऊपर हमने प्लीस लिए वो कैसे लिए वो भी मैं दिखा रही हूँ, तो आपको इसी तरह ऊपर जो मैंने प्लीस ली है पटियाला के वैसे आपको प्लीस लेना है 2-2 इंच का रख के एंड यहाँ पे ये बेल्ट है, ये बेल्ट के हमने चारों तरफ ये जो है ज्वाइन कर लेना है। तो हमको दोनों राइट साइड एक जगह रखना है, तो ये राइट साइड शलवार का एंड ये बेल्ट का राइट साइड दोनों को इस तरह प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद आपको पूरा राउंड स्टिच कर लेना है बैक प्लेट्स भी लगा के, तो मैं पहले से तो बना के रखा है, जस्ट मुझे यहाँ पर एक स्टिच देना है राउंड। ये रहा फाइनल लुक खजूरी सलवार का, तो स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह दिखता है। मैं इसका जो कटिंग का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी एंड ऐसे आप पटियाला सलवार बना के उसमें खजूरी सलवार का लुक दे सकते हो नीचे प्लीट्स लेके। तो ये मैंने 4 मीटर फैब्रिक पे बनाया है। इस तरह के और भी वीडियोज़ चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर मैंशन कर दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बना दूँगी। इस तरह मेरे और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। मेरा चैनल देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।